भाई ये देखो लोकल ट्रेन भी है बट लोग यार झगड़ा नहीं कर रहे, एकदम लाइन से आ रहे हैं। और तो भाई साहब मैं आ चुका हूँ जापान के सबसे मोस्ट साउदर्न रेलवे स्टेशन पे। तीनों पोस्ट कार्ड भेज दिया, आई होप पहुँच जाए इंडिया वगैरह। देख सकते हो बादल को भी नहीं आ सकते अगर आपके लिए बादल इम्पोर्टेंट है तो भाई अगर इंडिया में तो ट्रेन आ जाए ना तो दिल्ली से पटना 4 घंटे में किया जा सकता है। गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो आप लोग, एक वापस से नए वीडियो आपका स्वागत करता हूँ। फिलहाल भाई साहब यहीं पर हूँ मैं, जब कल रात को मैंने वीडियो ख़त्म की थी और आज फाइनली मैं निकल रहा हूँ निशी ओयामा की तरफ, जो कि जापान का मोस्ट साउदर्न रेलवे स्टेशन मान लो, क्योंकि साउदर्न पार्ट तो नहीं बोलूँगा क्योंकि उसके नीचे मैंने कहा था कि काफ़ी सारे आइलैंड हैं। बट उसके बाद मैं जाऊँगा ऊपर की तरफ और मैं कोशिश करूँगा कि जापान के सबसे नॉर्दर्न पार्ट तक लेके जाऊँ आपको मैं। हालाँकि वीज़ा के इशू के कारण मुझे बहुत सारी चीज़ें स्किप भी करनी पड़ सकती है। जैसे कि मैं सोच रहा था कि जाऊंगा मैं नागासाकी, बट यार नागासाकी को इसमें स्किप कर रहा हूँ। अब मैंने सोचा कि यार नागासाकी को अगली बार कर लेंगे, यार 15 दिनों का उन्होंने भेजा दिया मुझे, तो मुझे थोड़ा लंबा टाइम का चाहिए था वीज़ा, बट उन्होंने 15 दिनों का ही दिया है। तो यार आई थिंक मेरी गलती है एक्चुअली, 15 दिनों का ही शॉर्ट स्टे भेजा आता है और फिर लॉन्ग स्टे वीज़ा में एक्चुअली आता है उनका जापान का, बट उसमें क्या है कि आपको फाइनेंशियली काफ़ी कैपेबल होना पड़ता है और कुछ अलग अलग उनके रूल्स हैं। अगर अगली बार मुझे इजीली मिल जाएगा लॉन्ग टर्म वीज़ा, मतलब 1 महीने का 2 महीने का 3 महीने कितने महीने का मैं मांगूंगा, बट पहली बार एक्चुअली ना जापान वाले 15 दिनों का ही देते हैं। तो ये सिस्टम है भाई यहाँ पे छोटी स्टेशन में बड़े स्टेशन का, कोई कहीं भी ट्रेन आती है भाई, ये ट्रेन है क्या, ये तो मतलब मेट्रो से भी कम लग रही है, ये 2 डब्बे की कोई ट्रेन होती है। देखो पर आपको दिख भी नहीं रहा था, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो भाई 2 डब्बे की ट्रेन है भाई ये, इसलिए लोकल ट्रेन लेके जा रहा हूँ मैं। तो बस यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं एक्चुअली, बच्चे सब जा रहे हैं यहाँ से पढ़ाई करने के लिए, पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो बहुत सारे यहाँ पे बच्चे आपको दिखेंगे, देख लो पूरे जो यहाँ से वहाँ तक सारे बच्चे ही हैं मोस्टली। यार ये धूप वाला ना सिस्टम सही से दिखता नहीं होगा आपको, ये दिखाता हूँ, सारे के सारे बच्चे हैं पढ़ने के लिए जा रहे हैं स्कूल और मैं जा रहा हूँ भी पढ़ने के लिए निशी ओयामा। अरे भाई ये तो मतलब डीजल है, डीजल वाली मैं पहली बार देख रहा हूँ यहाँ पे डीजल का ट्रेन। आपको यार धूप एकदम साफ आ रही है, कैमरा में दिखेगा नहीं वरना मैं आपको दिखाता। हाँ तो यही बोल रहा था कि अब मैं वहीं जा रहा हूँ और मैं नागासाकी इसलिए स्किप कर रहा हूँ क्योंकि यार हिरोशिमा जा ही रहा हूँ तो सोच रहा हूँ नागासाकी, क्योंकि नागासाकी में ऐसा कुछ खासा मुझे इंटरेस्ट नहीं है। बस यही इंटरेस्ट था कि यार कि नागासाकी में जो मतलब ये ना जो एटॉमिक बम ब्लास्ट हुआ था उसको ही देखना था कि क्या है नहीं है, क्या इसके प्रति लोगों की क्या विचार हैं अभी। बट यार वो तो चीज़ मैं सोच रहा हूँ नागासाकी में भी देख लूँगा, तो मुझे लगा कि सॉरी वो चीज़ मैं हिरोशिमा में देख लूँगा तो मैं क्यों जा रहा हूँ नागासाकी, तो मैंने नागासाकी स्किप मार दिया। तो मैं अब कल या तो आज रात को ही नागासाकी निकल जाऊंगा, फिर हिरोशिमा निकल जाऊंगा, देन हिरोशिमा से ऊपर जाऊंगा मैं कोटो की तरफ, ओसाका की तरफ, आई थिंक कोटो स्किप मारूंगा, ओसाका जाऊंगा सिर्फ, एंड देन ओसाका से टोक्यो एंड देन टोक्यो से ऊपर की तरफ। तो अगले 5-6 दिनों में मैं नॉर्थ आइलैंड की तरफ पहुंच जाऊंगा। एंड भाई अब मेरे पास इस बार ट्रेन राइड है ही, 14 दिनों तक मैं कोई भी ट्रेन ले सकता हूँ, तो इस जो पैसे लगाए मैं इसका पूरा उपयोग क्यों नहीं करूँ, तो मैं इसका पूरा उपयोग करने वाला हूँ। भाई ये देखो लोकल ट्रेन भी है बट लोग यार झगड़ा नहीं कर रहे, एकदम लाइन से आ रहे हैं और जो पीछे लोग आ रहे हैं एकदम लाइन में लग जा रहे हैं, तो ये अच्छी बात लगी मुझे यहाँ पे कि लोग झगड़ा नहीं करते, लोग जल्दबाजी नहीं करते। कहाँ बैठूँ मैं, खाली थी सीट, पूरी खाली की खाली सीट है, यहाँ पे बैठ जाता हूँ मैं, ये सही जगह है। और भाई ब्रेकफास्ट के लिए मैंने ये चिकन ले रखा है, 2 चिकन है और 2 डोनट्स हैं, ये आज का मेरा खाना है इस लोकल ट्रेन में। भाई ये मुंबई लोकल नहीं है, यहाँ पे लोग मतलब एक्चुअली लटकने के लिए उन्होंने दिया है बट एक्चुअली कोई लटक नहीं रहा है, ये देख रहे हो लटकने के लिए दिया है। एक्चुअली यहाँ पे एक टॉयलेट भी है, मैं ये देख के हैरान रह गया कि यहाँ पर एक टॉयलेट भी है। तो जनरली लोकल ट्रेन्स में टॉयलेट वगैरह मिलता नहीं है बट यहाँ पे लोकल टॉयलेट ट्रेन में भी टॉयलेट्स हैं। और भाई लोकल ट्रेन पर भी आप यहाँ दरवाज़ा पर लटक नहीं सकते हो, मतलब आपको दरवाज़ा ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी 5 मिनट। लोकल ट्रेन में यहाँ पर टाइप रहती है, मतलब यहाँ पर ट्रेन का मतलब ये होता है पंचुअलिटी, ठीक है, कोई भी ट्रेन यहाँ पे लेट नहीं आती। अभी तक जितने मैंने ट्रेन लिए हैं, मतलब एक ही ट्रेन लिया एक्चुअली तो अभी तक वो भी ट्रेन लेट नहीं हुई है, कभी टाइम पे आई टाइम पे निकली। अब इस ट्रेन का देखता हूँ, ये 12 बजे यहाँ से निकलने का इसका प्लान है और 1.5 घंटे में मुझे साउदर्न पार्ट में इस लोकल ट्रेन मुझे छोड़ देगी। एक्चुअली ज़्यादा दूर नहीं है बट ट्रेन भी अब स्लो ही चलेगी क्योंकि इतनी फास्ट बुलेट ट्रेन तो है नहीं। तो भाई साहब मैं हमारा रेलवे स्टेशन अब आने वाला है और जरा मैं आपको एक बार टूर दे देता हूँ इस छोटी सी रेलवेज़ का।
ये भाई साहब टॉयलेट है, मतलब मुझे तो हैरानी हो रही है कि टॉयलेट भी यहाँ पे। ओ भाई ये तो जापानीज ओल्ड स्टाइल टॉयलेट है, मैं इसको बंद करता हूँ। ये देखो ये बैठने वाला टॉयलेट है ओल्ड स्टाइल, जनरली बुलेट ट्रेन में होते नहीं है, बट भाई यहाँ पर देखो टॉयलेट पेपर यहाँ पर भी है, जो कि मुझे मतलब हैरानी है। यहाँ पे मग्गा नहीं है बट टॉयलेट पेपर है और ओल्ड स्टाइल टॉयलेट है, इस तरह होता है जापानीज ओल्ड स्टाइल टॉयलेट, मतलब इंडियन वाला ही हो गया मान को चलो इंडियन स्टाइल। और ईरान में भी है, हर जगह है। और ये पानी चलाने के लिए है, अच्छा सिस्टम है। यहाँ पे आपको प्रेस करना पड़ेगा, पानी इधर से गिरेगा, पानी को बर्बाद नहीं करते हैं। मतलब ये ट्रेन ना काफ़ी ज़्यादा उछल रहा है, तो मतलब बहुत ही ज़्यादा ये लोकल ट्रेन हो गई। और यहाँ पे फ्लैश करने के लिए यहाँ पे भी है फ्लैश, ओह अच्छा सही फ्लैश वाला है यहाँ पे। चलो अब यहाँ से निकलते हैं इस टॉयलेट से, और ख़ास नहीं था इस टॉयलेट में। और मोस्टली इस ट्रेन पे भाई स्टूडेंट्स हैं जो कि अपने स्कूल से जा रहे हैं। इसको आप खोल नहीं सकते हो, मुझे लगा आप खोल सकते होगे। हाँ तो भाई बस लोकल ट्रेन में सफ़र चल ही रहा है, 1:27 में हमने टाइम दिया था, 1:13 हो रहा है, तो आई थिंक 14 मिनट में हम लोग पहुँच जाएंगे। मतलब काइंड ऑफ भाई ट्रेन स्लो ही थी मगर कहूँगा तो, मतलब काफ़ी स्टॉप लोकल ट्रेन थी, मतलब अपने लोकल पैसेंजर ट्रेन मान लो आप। और पूरी की पूरी इसमें कोई रिजर्व सीट भी नहीं है, तो आप सीट रिजर्व नहीं करा सकते हो, आके बैठ जाओ टिकट लेके। अनरिजर्व है पूरी की पूरी ट्रेन, ट्रेन मतलब तीन बोगी है भाई, ट्रेन भी क्या बोलोगे, मिनी ट्रेन बोल लो इसको, तीन बोगी को अगर ट्रेन में इंडिया में तो नहीं देखा है भाई। लाइक लोकल ट्रेन भी भाई हमारे में अच्छी खासी बड़ी बोगी होती है, क्योंकि हमारे पास पॉपुलेशन है, बट पॉपुलेशन जापान में भी है। ये मैं कैसे बोल सकता हूँ कि जापान पॉपुलेशन नहीं है भाई, टोक्यो मतलब डेंसिटी के आधार पर जिस तरह जापान का वो है, मेरे हिसाब से इंडिया के बराबर या इंडिया से ज़्यादा ही है जापान के पास पॉपुलेशन कंपेयर टू इंडिया। क्योंकि इंडिया बड़ा भी है, जापान बड़ा है बट सिर्फ लंबा है, उतना एकदम शॉर्ट है वो, मतलब समझ रहे हो ये लैंड जापान के पास आई थिंक इंडिया से तो बहुत ज़्यादा कम है, बट फिर भी यहाँ पॉपुलेशन भी अच्छी खासी है। फिर भी यहाँ पे ट्रेन में भीड़ नहीं हो रही है क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्वेंट ट्रेन है यार, फ्रिक्वेंट ट्रेन है और बहुत लोगों के पास कार है, तो मोस्टली लोग कार से भी ट्रैवल करते हैं, ट्रेन से सारे नहीं करते हैं ट्रैवल। तो भाई साहब ये है इवोसुकी, इवोसुकी हम लोग पहुँच गए। एक्चुअली इवोसुकी के बाद अगला स्टॉप दो तीन स्टॉप के बाद आ जाएगा जहाँ मैं जाना चाहता हूँ, जो जापान का मोस्ट साउदर्न रेलवे स्टेशन है, साउदर्न रेलवे स्टेशन है। और ये कुछ ऐसा कुछ दिखता है भाई, जिस हिसाब से डब्बे हैं इनके उस हिसाब से इन्होंने अपने रेलवे स्टेशन बना रखा है, ठीक है। ये वापस निकल जाएगी 1:27 में, 1:20 पर ये छोड़ रही है हमें। और ये कुछ ऐसा दिखता है ये ड्राइवर भाई साहब से, सही यार गाड़ी इसकी फ़ोटो ले ली जाए, आगे से ऐसा दिखता है भाई साहब, दो डब्बे की ट्रेन और इसी दो डब्बे में उन्होंने ड्राइवर साहब का भी जगह लगा रखा है। तो भाई साहब मैं आ चुका हूँ जापान के सबसे मोस्ट साउदर्न रेलवे स्टेशन पे। अगर मैं आपका जापान का मैप दिखाऊँ तो यहाँ पे मैप बना हुआ है, अब बाकी यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आप देख कर सकते हो, बट मैं उतना कुछ करने वाला हूँ नहीं, बस मुझे इस रेलवे स्टेशन को देखने के लिए यहाँ पर आना था, क्योंकि मुझे मोस्ट साउथ पार्ट से स्टार्ट करना था। हम लोग यहाँ पर हैं, देख सकते हो कि हम लोग कितना साउथ में हैं, मतलब मैं अभी आ रहा हूँ भाई साहब समर यहाँ से, आई थिंक ऊपर की तरफ से आ रहा हूँ मैं, अभी तक मैप में भी दिख नहीं रहा है, ये आई थिंक यहाँ से आ रहा हूँ, क्योंकि सबको जापानी में लिखा है, तो आई थिंक मैं यहीं से आ रहा हूँ, कागोशिमा से आ रहा हूँ। हाँ कागोशिमा से ये लाइन लेके मैं यहाँ तक आया हूँ, अगर आप देख पा रही हो इवोजुकी पोर्ट यहाँ पर है, यहाँ पे बड़ा बड़ा पोर्ट जहाँ से आप हर जगह जा सकते हो। तो ये सब कुछ अच्छा यहाँ पे मैप है यार, जापान में टाइम नहीं है बट ना मेरे पास करने के लिए बहुत कुछ चीज़ें थी, नेशनल हाईवे JR लाइन और शिंकानसेन, मतलब ये अगर आप देख रहे हो ये वाला शिंकानसेन ये जो देख रहे हो ये लाइन भाई बुलेट ट्रेन लाइन है, इधर बुलेट ट्रेन अवेलेबल नहीं है वो, हालांकि काम चल रहा है तो बहुत ही जल्द आ जाएगा। ये मोस्ट साउदर्न पार्ट हो गया और सबसे लास्ट ये रहा, क्योंकि यहाँ पे मार्केट वगैरह कुछ कुछ है। और ट्रेन भाई साहब ये दो डब्बे वाली ट्रेन है भाई, दो डब्बे हैं ट्रेन में भाई, सिर्फ दो डब्बे का कोई ट्रेन होता है क्या, घंटी वगैरह भी है, क्योंकि ट्रेन यहाँ पर उतनी आती नहीं है तो घंटी वगैरह है, तो कुछ ऐसा माहौल है यहाँ पर। मतलब दो तीन मिनट ट्रेन रुकी और ट्रेन यहाँ से अब निकल रही है, अब मैं जो भी ट्रेन वापस जाएगी मैं उस ट्रेन को लेके आज निकलने वाला हूँ हिरोशिमा डायरेक्टली, मैंने ये प्लान कर लिया है। तो ये थी जापान की मोस्ट साउदर्न रेलवे स्टेशन, भाई इस प्लेस का नाम है निशी ओयामा शत्सुना शाकावाशिरा ओयामा, रेलवे स्टेशन का नाम है भाई। एक ही ट्रैक है यहाँ पे, एक ही ट्रैक है, ये दो ट्रैक भी नहीं सिर्फ एक ही ट्रैक है, और एक ही ट्रैक में आती है जाती है, घास वगैरह लगे पड़े हैं, तो मैं समझ सकते हो कि इतने लोग यहाँ पे आते ही नहीं है। एक यहाँ पे अच्छा खासा इन्होंने मिरर लगा रखा है, आई थिंक ट्रेन के लिए लगा रखा है,
और एक ही ट्रैक जा रही है और उस तरफ भी एक ही ट्रैक है, इसका मतलब कि एक ही ट्रैक यहाँ से पास होती है, तो एक जो ट्रेन यहाँ से भी जा रही है आई थिंक वही ट्रेन वापस से आएगी और हमें लेके जाएगी, मतलब एक ही ट्रेन चलती है इधर, इतनी ट्रेन भी नहीं है इस तरफ तो। बट यार इतने छोटे से पार्ट में भी यहाँ पे ट्रेन वगैरह अवेलेबल है, छोटा सा गांव है वहाँ पे भी ट्रेन अवेलेबल है। इंडिया और जापान की बात मुझे अच्छी लगती है कि इंडिया में भाई आपको किसी पार्ट में जाना हो ट्रेन आपको मिल जाएगी, और जापान में भाई ये किसी पार्ट में आपको जाना है ट्रेन मिल जाएगी। सो बहुत सारी कंट्री में भाई ट्रेन उतनी एक्सेसिबल नहीं है, बहुत सारी कंट्री अगर इजिप्ट वगैरह जाओ तो ट्रेन सिर्फ मेन रूट पर चलती है, बहुत सारे ट्रेन कंट्री में तो ट्रेन है ही नहीं अभी तक, मतलब बहुत सारे कंट्री जहाँ पर ट्रेन अभी तक आई नहीं है। तो मतलब इंडिया और जापान की मुझे बात अच्छी लगी। एक अच्छा सा माउंटेन इधर दिख रहा है भाई, ये क्या ब्यूटीफुल है, पता नहीं इधर लेक वगैरह भाई, मतलब मुझे बहुत अफसोस हो रहा है यार, अगली बार मैं लॉन्ग टर्म वीज़ा लेके आऊँगा जापान के लिए यार, लंबा रहना है मुझे यहाँ पे, मतलब एक दो महीने आराम से निकल जाएंगे। और समर में आऊँगा तो थोड़ी कैंपिंग वगैरह भी कर लूँगा और कहीं पर भी रात गुजार लूँगा, तो अगली समर में जापान का प्लान करता हूँ। तो भाई अगर मैं यहाँ तक आ ही गया हूँ तो पोस्ट कार्ड ले लेता हूँ, तो यहाँ पे पोस्ट कार्ड ले रहा हूँ मैं, नहीं कहा प्लीज़ फॉलो, सब कुछ सस्ता लग रहा है मुझे यहाँ पे। हाँ पोस्ट कार्ड, हाँ नो स्टाम्प टाइप, नो स्टाम्प, स्टाम्प स्टाम्प, दिस गो इंडिया, नो यस यस गो इंडिया, या ओके ओके ओके, प्लस प्लस 10 स्टाम्प, प्लस 10 स्टाम्प, यस 70 Yes. 70 yen international mail is okay. Ah, okay. Yeah, yeah. I want to send India. Okay, okay, okay. 3. 2, 2, 2. Oh, 2. Okay, okay, yeah. Okay. Okay. Charge. Okay. तो भाई 70 yen में ये इंडिया और किसी भी पार्ट में जा सकता है, 890 टोटल हो गया क्योंकि मैंने 4 लिया और 4 स्टाम्प लिया है, मतलब अराउंड ये 500 रुपये के आसपास बन रहा है, 4 पोस्ट कार्ड घर पहुँच जाएगा, थोड़ा महंगा है कम्पेयर टू अदर कंट्रीज, बट भाई जो है ये आई होप इंडिया पहुंचा दे, जापान वाले पहुंचा देंगे इंडिया मेरे हिसाब से। तो एक्चुअली 2 घर पहुंचाना है, एक नाश्ते के घर भेजना है और एक दुबई भेजना है अनुसा के घर, तो ये 4 स्टाम्प मैंने ले लिया, देखो पहुंच जाए चारों के चारों स्टाम्प, कोई ना कोई तो पहुंच ही जाएगा भाई। तो भाई मैंने 4 पोस्ट कार्ड लिया, निशी ओयामा एक ही हो गया और ये कुछ जापानीज है, थोड़ा मतलब लोकल लग रहा है देखने में, तो ये तीनों ले लिया मैंने, अब चारों को भेजना है। 70-70 का लगा सब में स्टाम्प, मतलब इसमें 7 नहीं था तो इसलिए उन्होंने प्लस 10 कर दिया, तो हो गया 73, बट बाकी ऑल सब में 70 है, फिर प्लस प्लस 20 और इसमें ये 50 प्लस 20 70 70 में इंटरनेशनल डिलीवरी हो जाती है, 70 का मतलब हो गया भाई 40-50 रुपये के आसपास, मान लो 40-45-50 एग्जैक्टली यार काउंट देखना पड़ेगा ना, तो 50 रुपये, चलो 50 ही मानो आप, 50 रुपये में डायरेक्टली पहुँच जाएगा इंडिया। तो भाई तीनों का तीनों लिख दिया, मैं पीछे नहीं लिखूँगा क्योंकि पीछे एड्रेस लिखा हुआ है मेरा, एक अनुसा का है, एक ब्रिटेन का भेज रहा हूँ मैं, मेरा हो गया मेरे घर जाएगा बिहार, एक जाएगा यूएई दुबई, एक जाएगा यूएस मिनेसोटा, और ये रशिया भेज रहा था मैं, बट एक्चुअली नास्ते का मुझे नास्ते का भेज रहा था मैं, बट मेरे पास नास्ते का वो नहीं है, क्या कहते हैं पिन कोड नहीं है, तो पता से पूछना पड़ेगा, वो अभी सो रही है तो उठेगी तो उसको पूछिए उनको बताऊँगा और फिर मैं उसको भेजूँगा। ये ऐसा कुछ पोस्ट कार्ड मैं नास्ते को भेज रहा था, बट जल्दी भेजता हूँ उसको मैं, इन 4.5 के चारों पोस्ट कार्ड। तो भाई जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं इसे रेलवे स्टेशन देखने के लिए आया था, अब मैंने ये पोस्ट कार्ड लिख दिए हैं, पोस्ट कार्ड डालता हूँ कहीं पर, चलिए 2 मिनट ट्रेन निकल जाएगी, 34 की ट्रेन है, अब ट्रेन को लेके मैं निकलता हूँ। ये रहा भाई पोस्ट कार्ड ऑफिस, तो मैं चलो पोस्ट कार्ड भेज देता हूँ भाई, ये रहा पोस्ट कार्ड जाएगा, अब तीनों का तीनों पोस्ट कार्ड भेज दिया, आई होप पहुंच जाए इंडिया वगैरह। चलो अब एक पोस्ट कार्ड बच गया नाश्ता का एड्रेस लेके, कहीं बाद में भेज देता हूं मैं, अब मैं जाकर ट्रेन पे सफ़र करता हूं, ट्रेन पे बैठता हूं कि लेट ना हो जाए बस। तो भाई ये मैं सफ़र कर रहा हूं लोकल ट्रेन में, ये ड्राइवर भाई साहब है उधर, ये ऐसा दिखता है भाई बाहर का नज़ारा, उतना अच्छा से नहीं दिख रहा है बट थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, और जूम किया जाए तो कुछ ऐसा दिख रहा है और जूम किया जाए तो कुछ ऐसा दिख रहा है, क्या मस्त दिख रहा है भाई यहाँ से, एकदम हरे हरों घासों के बीच ट्रेन पास करती हुई, थोड़ा और जूम करूँगा तो शायद वीडियो क्वालिटी ख़राब हो जाएगी बट आप देख तो पाओगे, ये देखो भाई ये ऐसा एकदम चल रहा, थोड़ी क्वालिटी ख़राब हो रही है बट कुछ नहीं, ऐसा है भाई कुछ, और ट्रेन कुछ ऐसा है, 2 बोगी की ट्रेन है, कुछ ऐसा दिख रहा है। तो अच्छा सफ़र रहा है इस लोकल ट्रेन में, यहाँ की आपने बुलेट ट्रेन को भी देखी होगी, तो लोकल ट्रेन को मैं आपको दिखा रहा हूँ,
ड्राइवर भाई साहब एकदम सामने बैठे हैं, कोई भी चाहे तो ड्राइवर भाई साहब के पास जा सकता है। समझ रहे इंडिया में भाई एक तो पूरा एकदम वो बना देते हैं कि ड्राइवर के पास तो जा ही नहीं सकते आप, यहाँ पे ड्राइवर के पास चाहूँ तो मैं जा सकता हूँ, ड्राइवर से बातें कर सकता हूँ, बट यहाँ भाई आपके पास घर ही लगी हुई एकदम सामने में और घड़ी से सारे काम कर रहे हैं भाई। ये लोकल ट्रेन भी भाई एक मिनट लेट नहीं होती, लोकल ट्रेन भी एक मिनट लेट नहीं होती। तो भाई ये ट्रेन थी लोकल ट्रेन, दो डब्बे की ट्रेन, और ये कुछ स्टेशन दिखता है भाई कुछ ऐसा, एकदम माहौल शांत है, एकदम काफ़ी शांत माहौल सा स्टेशन है, दो नंबर और तीन नंबर प्लेटफॉर्म है। बट 15 मिनट के बाद मुझे जाना है कागोशिमा चियो। यही थी भाई आपको साउथ में कुछ, जैसे मैंने कहा शुरू में ही मैंने वहाँ मांग ली थी कि भाई मेरे पास समय नहीं है, और मुझे एक्चुअली इस ट्रिप में मोस्ट इंटरेस्टिंग मुझे नॉर्थ है लग रहा है देन साउथ, और इस ट्रिप में बस भाई जापान को मैं ऐसे ऐसे देख रहा हूँ, 15 दिन जापान के लिए काफ़ी नहीं होते। तो अगेन इस वीडियो में पता नहीं पाँच और बोल रहा हूँ आपको, मैं आऊँगा वापस से, अभी चल रहा हूँ मैं कागोशिमा चियो एंड वहाँ से चले जाऊँगा मैं आज हिरोशिमा। तो भाई ये जो ट्रेन देख रहे हो पीछे ये लेके जाएगी मुझे कागोशिमा चियो। एक्चुअली ये थोड़ी एक्सप्रेस ट्रेन है, ये यहाँ से 50 मिनट का समय लेती है, जो कि जो नॉर्मल ट्रेन है वो 1.5 घंटे का समय लेती है। तो मैं गया, मुझे बोला कागोशिमा चियो जाना है, तो उसने कहा सीट रिजर्व कराना पड़ेगा। मैंने कहा JR पास है मेरे पास, क्योंकि JR पास पे फ्री में सीट रिजर्व होता है, तो उसने उन्होंने फ्री में सीट रिजर्व भी कर दिया और मैं अब उस ट्रेन को ले भी सकता हूँ, वरना आपको पहले सीट रिजर्व वगैरह कराना पड़ता है। तो मेरा कार आई थिंक 1 है, और इस ट्रेन में कोई भी लाइक फर्स्ट क्लास नहीं है, तो आपको सेकंड क्लास में जाना पड़ेगा, बट कोई बात नहीं चल देते हैं, सेकंड क्लास में ही चल देते हैं, क्या दिक्कत है। आपको मैं ट्रेन दिखा देता हूँ जाने से पहले, कुछ ऐसा दिखता है ये भाई, ब्लैक ट्रेन है, काफ़ी काली ट्रेन है। ये आगे ड्राइवर भाई साहब है भाई, इसमें भी दो ही डब्बे हैं, ऐसा नहीं कितने ज़्यादा डब्बे हैं, नहीं दो ही डब्बे हैं, ये ऐसा कुछ व्यू दिख रहा है बाहर का आपको, मैंने ऑलरेडी काफ़ी व्यू दिखाई, ये ऐसा कुछ व्यू है। और ये भाई थोड़ी फास्ट ट्रेन थी, इंटरसिटी ट्रेन थी कम्पेयर टू दैट ट्रेन जो पिछली बार लेके यहाँ से गया था। ये भाई मस्त सीट है, यहाँ पे गद्दे वगैरह लगे थे बैठने के लिए, अगर आपको आराम से बैठना और व्यू के साथ बैठना है, गद्दे वगैरह एकदम 360 डिग्री व्यू है, 360 तो नहीं मतलब आप ये ऊपर भी देख सकते हो, बादल को भी निहार सकते हो अगर आपके लिए बादल इंपॉर्टेंट है तो। और इसका एक और क्लास दिखाता हूँ मैं आपको, चलिए वो फर्स्ट क्लास है, सेकेंड क्लास है। तो फर्स्ट क्लास ये टोटली रिजर्व सीट है, मतलब बिना रिजर्वेशन के आप यहाँ पर नहीं जा सकते, और ये जो सीट है ये फर्स्ट क्लास सीट है, बट पता नहीं इसमें सारा भरा हुआ था जब मैं आया था, उन्होंने मुझे फर्स्ट क्लास मुझे रिजर्वेशन नहीं मिली, और मेरे पास हालांकि टिकट फर्स्ट क्लास है बट आपको रिजर्वेशन कराना पड़ता है, तो रिजर्वेशन नहीं मिली मुझे फर्स्ट क्लास की, तो मुझे सेकंड क्लास में जाना पड़ा। कोई बात नहीं, ये आप फर्स्ट क्लास सीट ऐसी दिखती है, और आपको मैंने सेकंड क्लास दिखाई दिया, ये फर्स्ट क्लास भाई ठीक ठाक ट्रेन है, गद्दे वगैरह मस्त है इधर भाई। और यहाँ पर चाहो तो आप स्टाम्प वगैरह ले सकते हो, जैसे कि ये है ई बुक कुर्सी तो दिस थिंग, और यहाँ पे मैंने एक ऑलरेडी ले रखा है, स्टाम्प वगैरह मिल जाते हैं, ये स्टाम्प आप स्टाम्प कर सकते हो, कृपया पासपोर्ट स्टाम्प मत करना, बस वो जो है उसको स्टाम्प करना है। चलो हम लोग पहुँचने वाले हैं 2-3 मिनट में अब। तो भाई आपके स्वागत में यहाँ पे फुलझड़ी उड़ाई जा रही है, थोड़े झरने दे दिया गया है आपके स्वागत में। कुछ ऐसी ट्रेन थी भाई इबुतामा, ये वाली ब्लैक ट्रेन, आधी ब्लैक है आधी वाइट है, उस तरफ से ब्लैक थी, उन्होंने काला उजला कर रखा है, देख सकते हो उस तरफ से ब्लैक थी और इस तरफ से वाइट है, और उस तरफ पूरी ब्लैक है, इस तरफ पूरी वाइट है। जब मैं बैठ रहा था तो आई थिंक ब्लैक वाला पार्ट दिखा था, नहीं मुझे ब्लैक वाला पार्ट उधर से दिखा था। ये है यहाँ की लोकल ट्रेन इबुनिको तू ताका तामाती काबाको काफ़ी ख़तरनाक है मैं भाई, दो डब्बे हैं यहाँ पे, ट्रेन निकल रही है अब, तो इन्होंने बाय कर दिया, ये ड्राइवर साहब ने गेट बंद कर दिया, ये अब ट्रेन निकलने के लिए तैयार है, कि पीछे ड्राइवर भाई साहब भी, आगे ड्राइवर भाई साहब भी है, सही है भाई। अगर आप ये ट्रेन लेते तो आपको पड़ता है अराउंड 2200 येन, बट मेरा JR पास में इंक्लूडेड है ये भी ट्रेन, तो सारी ट्रेन JR पास में इंक्लूडेड है। अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ से हिरोशिमा, टिकट जाके करवा लेता हूँ अभी, टिकट तो चाहिए नहीं, रिजर्व सीट भी होती है, बट एनी वे मैं जाकर टिकट सीट बुक कर लेता हूँ। और भाई पता है उस ट्रेन की जो कीमत है वो है 18,000 येन, 18,000 येन भाई अराउंड $120 के आसपास हो गए, 10-11,000 रुपये हो गए वो ट्रेन, मतलब इसी में इंक्लूडेड है, मेरे JR पास में इंक्लूडेड है, सब कुछ JR पास में इंक्लूडेड है, शिनकानसेन
अब यहाँ से मैं करता हूँ एग्ज़िट। ओह किधर से आया था, हाँ याद आ रहा है मुझे, अब यहाँ से करता हूँ एग्ज़िट एंड 40 मिनट के बाद वो अगली ट्रेन है। तो भाई मैंने अपना बड़ा बैग ले लिया, मैंने ही होटल में रखा हुआ था, ये सब होटल्स वगैरह हैं, मैं रह रहा था यहाँ टोक्यो इन में, सस्ता से मिल गया था यार, मतलब सस्ता जापान के अंदर मिलना, मतलब एक्चुअली छोटी सिटी है ना तो मिल जाती है आराम से, कोई दिक्कत नहीं होती। अभी मैं थोड़ा जा रहा हूँ जो ट्रेन लेनी है अभी हिरोशिमा के लिए, भाई ये मुझे ट्रेन 2 घंटे में छोड़ देगी यहाँ से, और भाई जो डिस्टेंस है तकरीबन 540 के आसपास है, 550 के आसपास मान लो, 550 किलोमीटर 2 घंटे में। तो भाई अगर इंडिया में इस तरह ट्रेन आ जाए ना तो दिल्ली से पटना 4 घंटे में किया जा सकता है, ओ भाई साहब तो फिर तो लोग प्लेन लेंगे ही नहीं इंडिया में, 2 घंटे तो प्लेन भी ले लेती है बट फिर चेक इन वगैरह में टाइम जाता है, पहले आपको एयरपोर्ट जाना पड़ता है, और रेलवे में तो ऐसा सिस्टम नहीं है ना, डायरेक्टली चले जाओ। तो आई होप इंडिया में जल्दी बोलते ट्रेन आए और इस जो इन्जॉयमेंट यहाँ पर कर पा रहा हूँ 600 किलोमीटर 550 किलोमीटर 2 घंटे में, इंडिया में भी कर पाऊँगा वो। एनीवे वापस से आ गया हूँ कोगोशिमा चो स्टेशन में और अब मैं तैयार हूँ अपनी नेक्स्ट जर्नी हिरोशिमा के लिए। मैंने आपको बताया था कि मेरा प्लान था नागासाकी जाने का भी, बट मैंने कैंसिल कर दिया, बोला यार हिरोशिमा जा ही रहा हूँ क्यों जाऊँ नागासाकी, अब एक मतलब ऐसा कोई खासा इंटरेस्ट नहीं था मुझे नागासाकी में, बस वो देखने जा रहा था कि क्या हुआ है वहाँ पे 50-60 साल पहले, बट अब छोड़ ही देता हूँ। वैसे गाइस इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में जहाँ आपको मैं हिरोशिमा का सैर दे रहा हूँ, हिरोशिमा के लिए मैं सफ़र कर रहा हूँ। तस्वीरानिया अगर मेरा भाई इंस्टाग्राम है नॉमेट शुभम, अगर आप फॉलो नहीं करते तो भाई फॉलो कर लेना, मतलब फॉलो यार कर ही देना, मतलब इमिग्रेशन में इजी हो जाती है मुझे क्रॉस करने में। तो भाई फिलहाल के लिए गिरते गिरते बचा मैं, तो भाई फिलहाल के लिए भाई तस्वीरानिया मिलता हूँ आपसे।